के कठुआ जिला में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट पाकिस्तान के रेंजरों ने रात भर गोलाबारी की, जिसमें 45 वर्षीय एक नागरिक घायल हो गया। सीमा पर रहने वाले लोगों ने बताया कि हीरानगर के मनियारी इलाके में देर रात मोर्टार का गोला आकर फटा, जिससे छरे वहां रहने वाले बोधराज को लगे। उसे हीरानगर के उप जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया सोमवार की रात करीब 9:30 बजे से सीमा पार से गोलाबारी शुरू हो गई, जो रात भर जारी रही। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों ने सरकार से गुहार लगाई कि हमारा परमानेंट हल किया जाए, अगर हमारा कुछ नहीं किया तो हम लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। आज ऐसा आ जाते हैं मनियारी ग्रांच, और मनियारी ग्रांच कल दी काफ़ी हैवी शैलिंग हुई थी, फायरिंग हुई थी काफ़ी, जिसके कन्ने लोगों का बड़ा सारा नुकसान हुई था, डंगर भी मरी गए और भी काफ़ी सारे लोगों के मकान डैमेज हुए थे। और मैं सरकार से पूछना चाहना, ये लोग कब तक इ'यां गै रौह्णगे बंबे दे विच, इन्ने गोलेबारी विच इन्हें किन्ने चिर अपनी जिंदगी कट्टनी है। मैं चाहना ये लोग जेहड़े इंदे वास्ते कोई परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, इन्हें लोगों परमानेंट हल होया, इन्हें कोई साइड पर ऐसी जगह दी जाए जिथे लोग अपनी पूरी जिंदगी बतीत कर सकन। इन्हें बच्चे दी पढ़ाइयां खराब हो रही, बच्चे पढ़ी नहीं सकते, पूरी पूरी रात इतना फायरिंग हो रही, बच्चे ने जिसे फायर होंगे कन्ने बिचा एडे वे हैवी 81 के मोटार के गोले चला देना, जो कन्ने बिचा खून बगने शुरू होता। अज इतने बेचारी एक माता साड़ी वो बेचारी जख्मी हो जाए भी उतने बेहोश होइए पे जी, रात 1:30 बजे इतने बड़ी मुश्किल बख्तरबंद गड्डी जी मंगवाई है, उन्हें हॉस्पिटल भेजा। अस इ सरकार अगर गुजारिश करने कि इन लोगों वास्ते कोई सोचा जाए, ता कि लोग बेचारे इबी कुछ अपनी जिंदगी जी लैन, ये लोग तो 24 घंटे मौत के मुँह चलने लोग, इंदे वास्ते परमानेंट हल करना सरकार का फर्ज बनता। और अगर नहीं होंगे ये लोग सारे दुखी ने, ये लोग आखिर असें आपू गै ग्रां छड्डी असें कुतै पिछे चली जाना, सानू जित्थे मर्जी जगह मिली जा अस पिछे चली जाना, असें नेता DC दफ्तर मिली जाना। और लोग बड़े दुखी ने, नैशनल हाईवे ब्लाक करने तैयार हो जाना। मैं इ'यै कहा सरकार की जल्दी कोला जल्दी इंदा कोई परमानेंट हल किया जाए, इन्हें लोगों की इशू बाटर बाट वाली है। अगर तुसें नहीं मशीनां बंद करनी जिहड़ी थुआड़े फायरिंग रोज चलनी है, इन्हें लोगों मरवाना थोड़ी इत्थे वाली है। मैं इ'यै कहा सरकार की जल्दी कोला जल्दी इंदे वास्ते कोई सख्त कदम लेइए, इशू इन्हें पिछे किया जाए, और इन्हें कि रौह्ने वास्ते कोई 5 मरले प्लाट या जो भी तुस दे सकदे जल्दी कोला जल्दी दित्ता जाए। इन्ना ये लोग इत्थे सेफ नहीं है, इंदे वास्ते बहुत बड़ी मुसीबत है जो बार्डर का एरिया, इतना आए दिन फायरिंग होती रहती है, बहुत हैवी शैलिंग हो रही है। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।